नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विभिन्न नजारे देखने को मिले मतदान केंद्रों पर। मतदान केंद्र पर विभिन्न नजारे देखने को मिले। 100 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर दिव्यांग भी मतदान करने आए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा प्रथम 5 मतदानकर्ताओं का हार फूल पहनाकर स्वागत किया गया। युवाओं में भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं ने कहा, सरकार रोजगार की ओर ध्यान दे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट कॉलोनी के आदर्श मतदान केंद्र में, जिसको आदर्श मतदान केंद्र का नाम दिया गया है। हम अंदर गए थे, यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया और जो प्रथम 5 लोगों ने वोट डाला है जिला प्रशासन की तरफ से, उनको माला पहनाकर हार पहनाकर स्वागत किया गया। ये एक अच्छी परंपरा है, लोगों को अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि थोड़ा सा देश में इस तरह से का माहौल बनना चाहिए। जैसे कि हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश थे कि जो वोटर हैं, जो पहले आएंगे, उनको हमको सभी को स्वागत करना है। तो हम जो पहले 5 वोटर हैं उनका फूल माला से स्वागत। क्या चाहते हैं कि देश में क्या बदलाव हो? देश में सबसे पहले तो एजुकेशन रिपोर्ट सही होनी चाहिए। और जो हमारा जो ये हाईवे है, मेन रोड, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्द इम्प्रूव करवाएं। यहाँ पे भी कल भी यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है रोड पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। क्या नाम है आपका? यथार्थ। पूरा नाम बताइए। शर्मा, यथार्थ शर्मा। भारत की जनता जो है अनपढ़, अज्ञानी, इस वजह से ये सफर हुए। अज्ञानियों ने उसका बेनिफिट लिया 70 साल क्रूर शासन चलाकर। और अभी जो शासन चला है 14 साल, शासन के प्रगतिशील है, विश्व में नाम है उसका। मतदान कर दिया आपने, क्या संदेश देना चाहती हैं आप? अच्छा, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना वगैरह, आपको लाभ मिल रहा है उसका? जी, मिल रहा। अब आप क्या चाहती हैं? ऐसे ही मिलता रहना। कहाँ रहती हैं आप? 9 नंबर। क्या कारण है कि आप इस पे बैठे हुए हैं? पैर में चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर है जी। कारण जो हमारे डॉक्टर साहब के से लेके आए हुए हैं हमें, और मतदान बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? राकेश मालवी। मैं जिला निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त PW वोटों का आइकॉन हूँ, सूर्य प्रकाश सक्सेना। मैं सभी मतदाताओं से, दिव्यांग मतदाताओं से बस यही अपील करूंगा, जब मैं अपना वोट डालने के लिए केंद्र पर उपस्थित हो गया हूँ, आप सब भी आज बढ़ चढ़ कर अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें, बस यही कहना चाहता हूँ। रोजगार दिया जाए। अच्छा, तो आप दोनों बहनें हैं? हाँ, दोनों बहनें हैं। हमारा पहला मतदान है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट दिया है।